हाउ कैन बी इंटीग्रेट ऑफ स्पेशल कार्डो फंक्शन। स्पेशल कार्ड कौन से है? फर्स्ट है इसमें वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड वन अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थर्ड काइंड हमारे पास है पी एक्स प्लस टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फोर्थ काइंड हमारे पास है इसमें अंडर रूट को फोर्थ में लेते हैं। तो फोर टाइप्स हमारे पास है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो कैसे करेंगे इनको? फर्स्ट और सेकंड दोनों का मेथड सेम रहेगा, दोनों में क्या है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन द्विघाती व्यंजक है, द्विघाती व्यंजक को हम क्या करेंगे परफेक्ट स्केल में कन्वर्ट करेंगे, पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करना है परफेक्ट स्केल ऑफ एक्स, एक्स का होल स्केल बनाएंगे। कैसे बनेंगे वो देखते हैं, पहले हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। एक बार मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का लिख रहा हूं, थर्ड और फोर्थ का को यहां से हम हटा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का दो ही कर रहे हैं। एक बार तो अपन टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक बार जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहले हमें क्या करना है यहां से ए को कॉमन लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो भी एक्स के का कोफिशिएंट है, जो भी हमारे पास एक्स के का गुणांक है उस गुणांक को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, एक्स का गुणांक कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या करना है, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए को थोड़ा अलग लिख देते हैं, सी बाई ए क्या करेंगे हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी बाई, मतलब एक्स का जो गुणांक है एक्स का गुणांक हमारे पास है बी बाई, इसका करेंगे हाफ वन बाई टू बी बाई, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इट मींस 1 बाय 2 इनटू b बाय, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ये यहां पर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, पहले हम करते हैं प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर और फिर करते हैं माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। फर्स्ट जो थ्री स्टेप है ये हमारे पास परफेक्ट स्केल में कन्वर्ट हो चुके हैं, पूर्ण वर्ग क्या है पूर्ण वर्ग, ये हमारे पास पूर्ण वर्ग में बन चुके हैं, देखते कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये तीनों स्टेप मिलकर एक होल स्क्वायर बना रहे हैं, अगर देखते हम इसका स्क्वायर आएगा प्लस इनका मल्टीपल इंटू टू यही आएगा, एक्स इंटू बी बाई b upon 2a into 2 b by a into x, और दूसरा स्टेप रहेगा इसका होल स्क्वायर, वो हमारे पास आई है b by 2 का होल स्क्वायर। बाद में क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेके सेव करना है, हम यहां सेम लिख रहे हैं स्क्वायर का, इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर हमें देखना होगा कि जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, जो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये बनेगा x square by x square plus c square का formula apply करना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है x square minus c square का formula apply करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है होल स्क्वायर कैसे बनता है, तो क्या कहेंगे हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x के कॉमन लिए, a कॉमन लिया सब यहां से डिवाइड हो गया, इसके बाद क्या किया हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो भी गुणांक है उसको हाफ से बदल दिया, हाफ से मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने 1 बाई टू इंटू बी ए का होल स्क्वायर,
प्लस भी करना है माइनस, पहले प्लस करना है माइनस बाद में करना है, प्लस और इसका थ्री होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस रखकर इसको बाद में अच्छे से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार फैक्ट्स के बनाने के बाद हमने जो फॉर्मूले पार्ट नंबर 5 में हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें आप पार्ट 5, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 5 में जो फॉर्मूले हैं उनको दोबारा देख लें, उन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ये मैं इसको एक बार कर रहा हूं। इसका होल स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 6, मतलब एक्स का गुणा, एक्स का गुणा क्या बना है, एक्स का हमारे पास यहां पर 6 है, ये अगर 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर पहले प्लस करेंगे और माइनस भी करेंगे, प्लस पहले करना है बाद में माइनस करना है, पहले जो 3 स्टेप हमारे पास है ये बनेंगे होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 9 माइनस 1, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इसमें, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 को लिख देंगे 1 स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला भी हमें जानना है कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, 1 upon x square minus p square dx, क्या फॉर्मूला है, 1/2 log x minus a upon x plus a, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे पास अंडर रूट नहीं है, बिना अंडर रूट का फॉर्मूला यूज करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अंडर रूट में कई बार अंडर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और कई बार अंडर रूट दिया हो और बिना अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाता है, कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास x की वैल्यू, या हम t रख कर लें, dx / dt t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dt, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 × 1 + 1/2, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t हमारे पास x प्लस 3, log x प्लस 2 बाई x प्लस 1 प्लस, ये हमारा प्रश्न हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम बिना सब्स्टिट्यूट किए, ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहां x आ रहा है तो यहां x प्लस 3 आ रहा है, x की वैल्यू x प्लस 3 पुट कर दें, x प्लस 3 माइनस 1, x प्लस 3 प्लस 1, ये बीच वाले स्टेप अगर हम छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्वेश्चन आपका राइट होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, वीडियो पॉज करते साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लेना, आप हमेशा नोटबुक बोल कर रजिस्टर लेकर बैठे और वीडियो पॉज करते समझने के बाद वीडियो पॉज करते और पूरा क्वेश्चन नोट करें। कैसे करेंगे इसको, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 4 + 8x - 5x, इसको हम अलग से लिखते हैं, माइनस 5x²
प्लस एट एक्स प्लस फोर माइनस फाइव कॉमन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कॉमन ही लेना है हमें, तो माइनस फाइव कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एट बाई फाइव एक्स माइनस फोर बाई फाइव। अब क्या करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन बाई टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एट बाई फोर स्क्वायर एट बाई फाइव, ये आया फोर बाई फाइव। माइनस एट बाई फाइव एक्स प्लस फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर, और ये फोर अपॉन फाइव से क्लियर है आप। पहले तीन स्टेप एक्स माइनस फोर बाई फाइव का, यहां अगर मिडिल स्टेप में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन ट्वेंटी फाइव एलसीएम सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी, या थोड़ा सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू हम यहाँ इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, क्या रहा हमारे पास इंटीग्रेशन में, ये आ गया 36 बाय 25 ये वाला इसमें पुट करेंगे। अब देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में, माइनस फाइव एक्स माइनस फोर बाई फाइव होल स्क्वायर सिक्स बाई फाइव होल स्क्वायर, थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव सिक्स बाई फाइव होल स्क्वायर, ये हम अपने ब्रैकेट को क्लोज। अब माइनस माइनस फाइव का क्या करेंगे, माइनस तो अंदर से बाहर नहीं आ सकता, तो हम सिर्फ फाइव होल लिख देंगे अंदर से बाहर, और माइनस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये स्टेप पॉजिटिव हो जाएगा, सिक्स बाई फाइव का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर। जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप पॉजिटिव होगा, और जब माइनस को यहां करेंगे तो ये स्टेप नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अंडर रूट है, पहली बात तो यहां पर वन अपॉन अंडर रूट, पहले कॉन्स्टेंट है इसको ए लिखते हैं बाद में एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला इसका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यहां ये एक्स की वैल्यू तो ये होगी एक्स माइनस फोर बाई फाइव और ये इसकी वैल्यू है ए की, फाइव से मल्टीपल डिवाइड कर दो, मल्टीपल एंड डिवाइड बाय फाइव, इसमें फाइव से रहेगा फाइव एक्स माइनस फोर यहां आएगा सिक्स प्लस, दैट इज द सॉल्यूशन। मेथड याद रखना आपको, जब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन हो, जब भी हमारे पास हर में द्विघात दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हमें परफेक्ट स्केल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्मूले पार्ट फाइव थे जिनका लिंक आज डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उन फॉर्मूलों को याद कर लेना, उनमें से किसी ना किसी फॉर्मूले को यूज करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के बोर्ड एग्जाम के लिए, थ्री मार्क्स का या फोर मार्क्स का राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में डेफिनेटली वन क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात को। एक क्वेश्चन और देखते हैं,
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, कैसे करेंगे इसको? पहले हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन को ले रहे हैं, 9x स्क्वायर 12x प्लस 8। सबसे पहले 9 कॉमन, जो भी x का कोफिशिएंट है 9, इसको हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद क्या करेंगे? ये हमारे पास आ गया 4/3। 3 से कैंसिल कर दिया, 4/3 वही सेम है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ इंटू x का गुणा, ये हमें याद रखना है, स्टेप इस स्टेप के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। x का गुणा हमारे पास क्या है? 4/3 है, हाफ इंटू 4/3 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा ना, 2/3 स्क्वायर, तो यहां प्लस करेंगे 2/3 का स्क्वायर, ये माइनस भी करेंगे 2/3 स्क्वायर। फर्स्ट थ्री स्टेप, एक्स माइनस 2/3 स्क्वायर, 8/9 और ये भी 9 है, 9 एलसीएम, 8 - 4, फोर बाई नाइन यानी कि 2/3 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है जो हम यहां पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, नाइन बाहर लिख दें, लेट या नोट डायरेक्ट फॉर्मूले देखो कौन सा लग रहा है, ये एक्स के है, ये एक्स के है, 1 / x² प्लस एक्स के का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, लोग एक्स प्लस अंडर रूट सेम, इसको सेम एक्स लिखना है और जो सॉरी सॉरी ये अंडरूट नहीं है तो लगेगा 1/8 tan इनवर्स x / a का, ये मिस्टेक आपसे भी संभव है, तो यहां हमारे पास अंडरूट नहीं है, इसका फॉर्मूला है 1/8 tan इनवर्स x / a, तो ये हमारे पास x है और ये a है, 1/8 tan इनवर्स x / a प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 1/6, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3x प्लस 2y, दैट इज क्वेश्चन सॉल्व। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ये क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना आपने, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, सबसे पहले माइनस कॉमन, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही सिस्टम है, कोएफिशिएंट ऑफ x के हमारे पास ये हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 5, हाफ इनटू 5,
फाइव वाई टू का होल स्क्वायर। हमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, फर्स्ट थ्री स्टेप होल स्क्वायर बन जाएंगे, एक्स माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। यहां एलसीएम आएगा फोर, 25 by 4 का फुल एलसीएम 4 into 6 24 minus 25 minus 1 by 4। अब हम इस minus को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रीजन क्या है यहां अंडर रूट है, अंडर रूट से माइनस बाहर निकाल सकते हैं। चलो अब आगे करते हैं, ये वैल्यू से पुट कर रहे हैं, तो इस 5x minus 6 minus x square, 5x minus 6 minus x square, इसके हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ये पुट करते हैं minus x minus 5 by 2 square 1 by 4। इस माइनस को माइनस से बाहर ले जा सकते तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें वन बाई फोर मतलब वन बाई टू का स्क्वायर, ये माइनस प्लस का हो गया और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन ओवर एक्स बाई, क्या आंसर आएगा इसका, ये बराबर साइन ओवर x, x हमारे पास है x minus 5 by 2 all e, ये हमारे पास है half square plus 2 से multiply by 2, ये हमारा most important question है, बड़े ध्यान से करना है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है, तो इतने क्वेश्चन ही करने हैं। अब इसके जो और टाइप्स हैं, हम विशेष प्रकार के फलों का समाधान, ये हमने ऊपर वाले दोनों में न्यूमरेटर में दोनों में वन है, अब हमारे पास क्या होगा इसमें थर्ड और फोर्थ में, यहाँ एक लीनियर फ्रैक्शन होगा पी एक्स प्लस क्यू, ये हमने पार्ट नंबर एट किया है, पार्ट नंबर नाइन में करेंगे, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में लीनियर फ्रैक्शन है उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं ये आप पार्ट नंबर नाइन में देखना, ठीक है, धन्यवाद।